अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन टिक्का मैक्रोनी रेसिपी। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। हाफ केजी हमें चिकन लेनी है, 1 बाउल हमें कैबेज लेना है, 1 बाउल कैप्सिकम लेना है एंड 1 बाउल कैरोट लेना है। ऑयल लेना है हमें कुकिंग ऑयल, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, 2 टेबल स्पून नमक लेना है एंड हमें 1 बाउल लेना है टोमेटो केचप, 2 स्पून हमें लेनी है कुटी हुई लाल मिर्च, 2 स्पून लेनी है काली मिर्च एंड 2 स्पून टिक्का मसाला। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने सबसे पहले ऑयल ऐड कर दिया है इसमें। अब हम ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे एंड देन इसमें ऐड कर देंगे अपने चिकन। ये देखें ऑयल गर्म होगी, अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये ऐड हो गया है, इसको मिक्स करेंगे एंड इसका कलर चेंज होने तक हमें इसको अच्छी तरह से कुक करना है। ये देखें आप कलर चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये कलर बिल्कुल हमारा चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, मिक्स करेंगे साथ साथ एंड 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। ये देखें नमक ऐड हो गया है इसमें, मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। ये देखें मिक्स कर लिया है। लुक देखें आप कितना अच्छा लग रहा है इसका, ये देखें आप लुक। अब हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे एंड देन इसको कवर कर देंगे। ये देखें कवर कर दिया मैंने इसको। अब जो है हमें 5 मिनट्स हो चुके हैं, 5 से 7 मिनट्स हो चुके हैं। अब ये देखें हमारी चिकन जो है बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, अच्छी तरह से गल गई है हमारी चिकन। ठीक है, ये देखें आप बहुत अच्छा लुक लग रहा है इसका। ये देख लीजिए आप लोग, बहुत ज़बरदस्त लुक लग रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी वेजिटेबल्स। मैंने ये गाजर ऐड कर दी हैं, ये देखें गाजर ऐड हो चुकी हैं इसमें। 1 बाउल मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दी है, कैबेज, ये देखें कैबेज ऐड हो गई है। 1 बाउल मैंने कैप्सिकम ऐड कर दी है इसमें, शिमला मिर्च। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छा लुक लग रहा है इसका, बहुत टेस्टी लग रहा है लुक, ये देख लीजिए आप लोग। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। अब आप ये देख लें कि हमारी वेजिटेबल्स जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। ज़्यादा गलाना नहीं है, सॉफ्ट करना है हमें नॉर्मल इसको एंड देन इसमें ऐड कर देंगे 1 बाउल टोमाटो केचप। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है ये केचप हमारा। अब हम इसमें लगाएंगे कॉइल। कॉइल लगाने के लिए हमें सबसे पहले जो है अपने कॉइल की जगह बनानी है। ये देखिए मैंने जगह बना ली है सेंटर में इसके। अब यहाँ मैं कॉइल लगाऊंगी, यानी कि कोयले का दम। मैंने कॉइल रखा है यहाँ पर एंड देन मैं ऊपर से ऐड कर दूंगी कुकिंग ऑयल और इसको कवर कर देंगे हम। ये देखें कवर कर दिया है इसको। लीजिए हमारा कोयले का दम बिल्कुल अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसमें से कोयले को हटा देंगे। ये देखिए मैंने कोयले को हटा दिया है इसमें से बिल्कुल से, ये कोयला बिल्कुल हट चुका है। अब हम अपने मैक्रोनीस ऐड करेंगे। मैक्रोनीस बॉयल करने के लिए हमें सबसे पहले वाटर ऐड करना है। वाटर में हमें 2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट ऐड करने के बाद हमें उसको गर्म करने के लिए रख देना है। जब अच्छी तरह से वो गर्म हो जाएगा और उसमें बॉयल आ जाएगा, एक बॉयल आ जाएगा, तो उसमें अपनी मैंने मैक्रोनीस ऐड कर दी थी। ठीक है, और मैक्रोनीस आपको बार बार हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे नहीं। मैंने इसमें ऐड कर दी है मैक्रोनीस। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। ये देखें आप अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं ये बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, हम इसको कवर कर देंगे। पे लगा दिया था मैंने इसको। अब हमारा दम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है 3 से 4 मिनट्स बाद। अब हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।